गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब ये पेज हमारा 54 है आपके टेक्स्ट बुक का है। इसमें देखो पहला पिक्चर है, क्योंकि हमारा लास्ट पेज हमारा 53 तक कंप्लीट हो गया है टेक्स्ट बुक में, ये पेज नंबर 54 है आपके टेक्स्ट बुक का, हम इसे आज कंप्लीट कर लेंगे। पहले पिक्चर में देखो कैट रेट में कितने फ्लावर्स हैं दोनों के हैंड पे, तो चलो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 + 3, 4 after 3 काउंट कर लो, 5 6 7, तो आपका देखो लास्ट पॉट में पूरे टोटल फ्लावर्स है तो 7, तो यानी कि 4 + 3 कितने होते हैं 7, 4 after 3 काउंट कर लो, 5 6 7, यस। तो अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में पप्पीज काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो आपने 4 राइट किया, फिर 1 2, तो आपने 2 राइट किया, फिर दोनों को प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन है। आपको पता चलना चाहिए जब भी ये प्लस का साइन होगा तो हमें प्लस करना है यानी जोड़ना है, तो आपने जोड़ा 1 2 3 4 5 6। अभी थिंग्स देख के आपको काउंट करना है, इसीलिए आपको अभी ये ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो पिक्चर काउंट करके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 after 4 काउंट, 4 + 4 काउंट करोगे, 4 में 4, 4 after 4 का कैसे काउंट करेंगे, 5 6 7 8, ओके, तो कितना हुआ 8, 4 + 4 8। तो इस तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट अपने टेक्स्ट बुक में। ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 55 आपके टेक्स्ट बुक का है, और आपको एडिशन करना है। आपको समझना है कि एडिशन मीन्स प्लस, तो आपको क्या करना है, देखो 2 डॉट्स है, 2 नंबर है, 2 डॉट्स है, तो 2 + 3 कितना होता है 5, 2 after 3 काउंट कर लो, 2 after 3 कितना हुआ, 2 आपके पास पहले से, 2 in my mind, 3 on my finger, तो 3 4 5, यानी कि 2 + 3 कितना हुआ 5, तो आपने 5 मिला आपको। चलो फिर ये तो आपका था हॉरिजॉन्टल प्लस, क्या था हॉरिजॉन्टल प्लस, आपका ये क्या है वर्टिकल प्लस, यानी कि स्टैंडिंग सीधा सीधा है और ये लेटा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये आपका स्टैंडिंग प्लस, 2 + 3, 2 after 3 काउंट कर लो, 2 in my mind, 3 on my finger, 3 4 5, इसी तरह से इसमें आपको करना है 4 + 2, देखो 4 in my mind, 2 on my finger, 5 6, तो आपने 6 राइट किया। इस तरह से नेक्स्ट स्टैंडिंग है, यानी कि इस साइड में आपको हॉरिजॉन्टल प्लस करना है और आपके राइट साइड में स्टैंडिंग प्लस करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और स्टैंडिंग प्लस, तो हम दोनों करेंगे। पहले आपने हॉरिजॉन्टल प्लस किया, अब देखो स्टैंडिंग प्लस करो, 4 + 2, यानी कि 4 in my mind, 2 on my finger, 5 6, तो कितना आप राइट करेंगे 6, यस। अब चलो हॉरिजॉन्टल प्लस, ओके, 5 + 1, 5 in my mind, 1 on my finger, तो 5 6, तो आपको कितना राइट करना है 6, वेरी गुड। अब तक आप समझ गए आपको क्या करना है प्लस, और दोनों साइड से दोनों तरीके से आपको प्लस आना चाहिए। अब देखो 5 in my mind, 1 on my finger, 5 after 1 काउंट करो, 6, यानी कि आप क्या राइट करोगे यहाँ पर 6, वेरी गुड। चलो 3 on my mind, 6, 3 को पहले माइंड में रखो, चलो सबसे पहले 3 को काउंट नहीं करना, माइंड में रख लिया, 3 in my mind, 6 on my finger, तो यानी कि चलो हमारे पास या तो कोई बड़ा नंबर कर लो, 3 क्या है आपका स्मॉल नंबर है, दोनों में से आपको एक माइंड में रखना है और एक फिंगर करना, जो बिग नंबर है उसको माइंड में रखो, 6 को आपने माइंड में रख लिया, 3 को आपने फिंगर कर लिया ताकि कम काउंट करना पड़े, तो 6 after 7 8 9, 6 after 7 8 9, 3 आपने काउंट किया, 6 को माइंड में रखा, इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल प्लस फिर स्टैंडिंग प्लस, 3 + 6, 3 मैंने बोला ना छोटा नंबर नहीं रख सकते हो माइंड में, तो बड़ा नंबर रख लो, दोनों में से कोई एक माइंड में करना है और एक आपके फिंगर में काउंट करना है, तो 6 in my mind, 3 on my finger, 7 8 9, यस, आपने क्या राइट किया 9। चलो 7 + 0, मैंने पहले भी बोला 7 कोई नंबर होता है, बट 0 कोई नंबर होता है नहीं, क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं काउंट होता, तो 0 का 0, तो 7 + 0 7, या आपका हॉरिजॉन्टल प्लस या आपका स्टैंडिंग प्लस आपको करना, 7 + 0 7, क्योंकि 0 तो कोई नंबर होता ही नहीं है। इस तरह से 0 + 9 9, क्योंकि
जीरो कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम सीधा 9 लिखेंगे। इधर स्टैंडिंग प्लस आपको वर्टिकल प्लस करना है, 0 प्लस 9 9। यस, तो आपका ये पेज इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आपको ये पूरा पेज कंप्लीट कर लेना है। ये आपके वर्कबुक का 56 पेज, आपके सॉरी यहाँ टेक्स्ट बुक का आपका 56 पेज नंबर है। ये कंप्लीट हो जाए, इतना पेज फिर हम वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों साथ साथ में लेके आगे करते जाएंगे, ताकि आपके टेस्ट में मैंने एडिशन लिया है, सब्ट्रैक्शन लिया है। पहले आप एडिशन सीख लीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। देखो 3 प्लस 2, 3 इन माई माइंड, 2 ऑन माई फिंगर, 3 आफ्टर 2 काउंट कर लो, 4 5, कितने बैलून्स मिले, 1 2 3 4 5, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा है। चलो नेक्स्ट में कितने हो, 1 2 3, और 3 प्लस 0, इसके हैंड में कोई बैलून्स है नहीं है, तो 3 प्लस 0 3। यानी मैंने पहले भी बोला जीरो कोई नंबर होता नहीं है, तो जितना जो दूसरा नंबर है हमें वही राइट करना है। 0 प्लस 2 0 लिखना है, क्योंकि हमें 2 हमारे पास है ऑलरेडी, और उसके दूसरे बॉयज़ के हैंड में 0 यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 प्लस 2 2। आप क्या राइट करोगे यहाँ पर, 2। ओके, आपने राइट किया 2। चलो नेक्स्ट देखो, 4 प्लस 0 1 2 3 4, यहाँ तो इसके हैंड में गर्ल्स के कुछ नहीं है, तो 1 2 3 4 ही हमें मिलता है टोटल करने पे, तो हमें 4 प्लस 0 4। इस तरह से आप ये पूरा पेज कंप्लीट करोगे। 5 प्लस 0 क्या होगा, यस अब आप समझ गए हैं कि 5 में 0 कोई नंबर होता नहीं है, तो कोई भी 0 के साथ दूसरा नंबर है तो हमें उतना ही मिलता है। देखो 3 प्लस 4 आपका लास्ट एडिशन, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इसलिए आप फटाफट काउंट कर लोगे और फिंगर पे कर लोगे, 3 इन माई माइंड, 4 ऑन माई फिंगर, 4 5 6 7। आपने फटाफट माइंड और फिंगर को लेके काउंट करके लिख दिया, तो ये पेज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। सो बाय स्टूडेंट।